नया इन्वेंशन दिखाता हूँ आपको, मैं देखो हर जगह मिल जाएगा आपको सिटी में। ये जो बेंच दिख रही है, ये जो अभी अंदर गया है बुड्ढा जानवर, ये जो दो लड़कियाँ दिख रही हैं, तो धक्का मारे गए बी एस आर एम। ये मेरी आंखों से भाई साहब इतनी बारीकी से बनाया हुआ है कि क्या ही बताऊँ, लाइक पता नहीं कैसे कैसे इक्विपमेंट यूज करके बहुत शार्प। हेलो फॉक्स, नमस्ते, मेरा नाम विजय यादव है और मैं भारतीय निवासी जयपुर का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, मैं क्रोएशिया में हूँ और आज मैं क्रोएशिया के एक और नए शहर में हूँ, जिसका नाम है स्प्लिट। और इस वीडियो में आप वर्चुअल टूर करेंगे मेरे साथ इन अगले कुछ मिनटों में स्प्लिट का। मेरे साथ बने रहिए और इन्जॉय करिए वीडियो। ये पोर्ट का ड्यूटी फ्री रह गया और यहाँ बड़ा सा एक ग्रॉसरी स्टोर है, यू कैन कॉल शॉपिंग मॉल। और ये पूरा ऐसे एंट्रेंस है सिटी का, जिस प्रकार ये पूरा पोर्ट रह गया इस साइड में, मतलब बहुत बड़ा पोर्ट है। मैंने पहली बार देखा यूरोप में इतना बड़ा पोर्ट यहाँ आके। और ये पोर्ट का वो हिस्सा है जहाँ से आपको फेरी मिलती हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में और कंट्रीज में जाती हैं यहाँ से। और ये लोगों के लिए वेटिंग एरिया जो ओपन में है यहाँ, यहाँ प्राइवेट यार्ड्स भी लगती हैं, जस्ट पीछे जो लगी पड़ी है देखिए फोनिक्स और फेरीज भी। ये नया इन्वेंशन दिखाता हूँ आपको, मैं देखो हर जगह मिल जाएगा आपको सिटी में। ये जो बेंच दिख रही है, ये सिटिंग बेंच, इस पर जो ये लगा पड़ा है यहाँ आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये सोलर पैनल से चलती है, इसमें सोलर पैनल लगा रखे हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये ऑब्जर्व कर रही है, इकट्ठी कर रही है। और अपना फ़ोन रखो और आप चार्ज करो, लेकिन है वायरलेस, ये भी इसमें वायर नहीं डाली हुई, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो नया स्टार्टअप का गुड आइडिया, स्टार्टअप भी मान सकते हो, इन्वेंशन मान सकते हो, गुड इन्वेंशन और अच्छा आइडिया मान सकते। उस पोर्ट से और ओल्ड टाउन जो कैशल बना हुआ है यहाँ, आई थिंक ये पेंसिल देयर इन दो, ये देखो इधर पोर्ट रह गया और इधर ये सिटी टाउन रह गया। इन दोनों के बीच में आप नोटिस करोगे यहाँ आपको ऑल फैसिलिटी मिलेंगे, रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरिया जहाँ एक यूरो लगता है, तो ये भी बिजनेस सही है इनका। और ATM, मनी एक्सचेंज, और ये यहाँ लगेज एरिया, वो सारे इसलिए हैं क्योंकि ये जो पोर्ट बना हुआ है यहाँ से लोग, बता रहा हूँ, फेरीज में जाते हैं और प्राइवेट जो ट्रैवल है वो भी यहीं से होता है। तो ये यूज़ करते हैं यूरोप में, बेसिकली हर जगह देखा है मैंने, आप मान सकते हैं इसको एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना यूज़ करते हैं। तो ये जैसे मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ऐसे जो फैसिलिटीज होती हैं वो आपको इस पोर्ट के सामने बहुत मिल जाएंगी। ये देखो हर प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी इस पोर्ट के सामने आपको, सारे सुपर मार्केट्स मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया रेट्स वाले, मतलब एज कम्पेयर टू दूसरे प्लेस के अकॉर्डिंग। अभी मैं वॉक करता करता पहुंच गया सिटी के मेन एंट्रेंस, मतलब जो एक्चुअल जो मार्केट है उसमें। ये रह गया कैशल यहाँ, आई मीन काइंड ऑफ चर्च। और ये थोड़ा यहाँ भी चढ़ाव तो है ही, सिटियों में यहाँ है ही ऐसा कि फ्लैट ज़मीन मुश्किल मिलना है थोड़ा। पेड़ों को कितना सुंदर बना रखा है, क्योंकि अब क्रिसमस सीजन आने वाला है तो हर ट्री को भी ऐसे सजा देंगे लोग और फिर काट देंगे, सॉरी बट। और ये डबल जो कनेक्टेड बस है वो वाली, इसके बारे में अभी गडकरी साहब ने बात की थी किसी कन्वेंशन में, आई थिंक ये रोम में कोई कन्वेंशन था उसमें, बट वो ऐसी नहीं थी, इससे भी वो तो अपग्रेड थी भाई। तो आई होप इंडिया में भी आने वाले 5 साल में बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हाईटेक चीज़ें मिलेंगी हमें देखने के लिए, क्योंकि ऐसे नेता हैं। तो गडकरी जी को मैं बड़ा बहुत पसंद करता हूँ उस नेता को, क्या विजनरी सोच रखते हैं, तो पढ़े लिखे का फ़ायदा तो है। ये टाउन ऐसे रह गया भाई, अब उधर ही जाना पड़ेगा। ये आ गया, वो क्रॉसिंग देख रहा था मैं, अब यहाँ बस खड़ी होगी उसके ऊपर। अगर तुम्हें यहाँ टाउन की सब्जी मंडी दिखा के लाता हूँ, देखो ऐसे एंटर हुए नीचे और ये खाली जगह बड़ी थी, उसमें इन लोगों ने सब्जी मंडी बना दी।
ये सबसे पहले आपको मिलेंगे ऑलिव्स ओलिव ऑयल, तो ये फेमस है। ये स्टार्ट हुई सब्जी मंडी यहाँ से। ये भाई साहब कुछ क्या बेच रहे हैं, नींबू टमाटर प्याज 2 यूरो का 1 केजी, टमाटर आलू गोभी गाजर, ये देखो। तो ये है इनकी यहाँ सब्जी मंडी। उसी मंडी में ये आपको मिलेंगी यहाँ मीट की शॉप्स। ओ भाई साहब यहाँ इतने पुराने पुराने मीट पड़े हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। शिट मैन, पता नहीं कितना पुराना है, पीछे ब्लैक ही पड़ गया वो। लेकिन सुसा पता नहीं कुछ तो प्रोसेस रखते होंगे ये फ्रोजन वोजन करके, तो प्रिजर्व करने का ऐसे रखते हैं। थोड़ा सा बदबू आने लग गया। और ये यहाँ ड्राई फ्रूट्स इस लाइन में। मंडी इधर रहेगी, मंडी के अपोजिट साइड में ये पूरा ऑल्ट कैशल। और ये जो जो दिख रहा है वो टॉप उसका, इसकी एक फ़ोटो है जो यहाँ का फ्लैग भी है सिटी का, ये स्ट्रीट। अभी आपको अंदर लेके जाता हूँ, अंदर दिखाता हूँ तो कैसा है। वैसे उधर से लेके आता हूँ मैं इनसे। तो ये कुछ एंट्रेंस है, वैसे लोग एग्जिट भी इधर से हो रहे हैं। लुक, होमलेस यहाँ भी है। ये देखिए, और ये कुछ पीछे से ऐसा दिखता है अंदर जाने के बाद में। अभी जो भीड़ दिख रही है उसका कारण ये है कि अभी है पीक सीजन टूरिस्ट का, क्योंकि अगले महीने से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा ठंड। अभी भी ठंड है लेकिन इतना नहीं, मतलब 5 चले जाएगा डिग्री, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तो फिर भी ठीक ठाक ही है, 17-18 है। ये देखिएगा। तो हेलो फॉक्स, अभी बात कर रहे थे सिटी की हिस्ट्री के बारे में। तो ये शहर फाउंडेड इन 2nd BC में, जो 2nd सेंचुरी थी BCE की, उसमें फाउंडेड हुआ। और इस पर बहुत से एम्पायर ने ऑक्यूपेशन किया, जिनमें से इटालियंस, जर्मन्स, ग्रीक्स। और इनकी एक्चुअल इंडिपेंडेंस जो थी, जो किंगडम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2nd के बाद में, किंगडम ऑफ क्रोएशिया के बाद में जो एक्चुअल इंडिपेंडेंस थी, वो 1991 में हुई। तो अभी जस्ट रिसेंटली इनकी, मतलब कुछ सालों पुराना ही है ना इंडिपेंडेंस। तो ऐसे कुछ हिस्ट्री है। और लुक, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ इस प्लेस पे, यू कैन सी, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया ये वाला, ये पूरा है, ये जो ये पीछे वाला, ये रोमन एम्पायर के टाइम का है। तो ये रोमन्स ने बनवाया था यहाँ। देखो जो पिलर खड़े हैं ये रोमन एम्पायर के टाइम के हैं, तो लाइक कितने हजारों साल पुराने होंगे ये भी। तो उस जगह खड़ा हूँ मैं यहाँ, रोमन्स की मीटिंग्स हुआ करती थी इसकी एंट्रेंस पे। और वर्ल्ड वॉर 2 में जब ऑक्यूपेशन हुआ तो इटली ने जीता इसको, उसके बाद इंडिपेंडेंस मिली एक्चुअल क्रोएशिया को, इस सिटी को। तो अभी मैं उधर से इधर आया, और जब आप एंटर करते हो कैशल में, यू कैन सी, ये उनका मेन पैलेस एंट्रेंस है। उनकी जो गार्ड्स थे उनकी यूनिफॉर्म कुछ ऐसी होती थी, उनके पास जाके दिखाता हूँ आपको भी मैं। और लोग रात में इसमें लाइटिंग भी की जाती है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। और इस जो ये बना हुआ है ये पिलर्स, ये पूरा उस पर आप वहाँ तक जाते हो, लिफ्ट लगा रखी है इन लोगों ने भी। तो उस टाइम के सोल्जर्स कुछ ऐसा दिखते थे लोग। तो
मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ओल्ड चीज़ों से पता नहीं क्यों इतना लगा हुआ, जितने जो ओल्ड जो प्लेस हैं कहीं पूरी दुनिया नो मैटर पर। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, अभी रोमन्स की बात कर रहे हैं कि रोमन एम्पायर लोग जो जो मैंने बहुत पुराने टाइम में पढ़ा था ना, उन लोगों के इतिहास हैं ये, लोगों ने कैसे बनाया हुआ ये पत्थर, ऐसा लग रहा है जैसे टूट टूट के मतलब बिखरा हुआ है, और ये कितना हैवी पत्थर है कि एक पे बना के एक नहीं बस कितने हैं देखो तुम। मार्बल है जो इंडिया में मैंने देखा है ऐसा मार्बल, और ये वाला पत्थर तो ठीक है ये तो नॉर्मल मान लो फेंक दिया होगा बिना इक्विपमेंट्स, ये कैसे बना होगा इसकी। अगर आप देख पा रहे हैं तो जो ये कॉर्नर है मेरी आंखों से मैं बता नहीं पाऊंगा कैमरे में कैसे दिखता है, आई डोंट नो, अगर देखोगे मेरी आंखों से भाई साहब इतनी बारीकी से बनाया हुआ है कि क्या ही बताऊं, लाइक पता नहीं कैसे कैसे इक्विपमेंट यूज़ करके बहुत शार्प, और ये 3D है पता है, ऐसा नहीं कि चिपका हुआ अंदर, नहीं बिल्कुल उभरा हुआ है सारा। उसका एंट्रेंस कुछ ऐसा ही देखो, ये कुछ ऐसा है, मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है इनकी यहाँ की, ये लोग ना बड़ा सजा जता के रखते हैं एकदम, जो एकदम वेल मेंटेन्ड। उसके बाद बाल लूँगा, और ये इसका उस टैनल का बैक साइड एरिया है जो ये जर्जर गिरने वाले हो रखे हैं, ये कुछ गिर भी गए तो उनको यहाँ रख दिया, और उनको सेव करने के लिए कुछ बांध रखा है, मतलब ब्लेडों से रोक रखा है इसको, तो ये बैक साइड ऑफ पैसल है। टनल के नीचे से जाके दिखाता हूँ आपको, ये कुछ ये देखो, ये यहाँ तो गिरने वाले भी हो गए, ये इतने जर्जर हो गए ये, अभी जब कैसल के बैक साइड से इधर निकल गया ना मैं, तो ये देखो ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको ये तो नहीं लग रही होगी ना, बट नहीं ये बिल्डिंग भी 1846 में बनाई हुई है देखो तुम, और अभी वेल प्रिजर्व है। इसके पीछे ये छोटा सा मिनी पार्क, ये कुछ अबेंडन से हुए शायद कोई ऑफिस ऑफिस के इनके पुराने होंगे, लेट मी चेक, कुछ तो अजीब है भाई साहब। लुक इसका बेसमेंट भी है, 3 फ्लोर नीचे, अभी देखो तुम जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे भी 3 फ्लोर नीचे ही। ये देखो, और ये स्विमिंग पूल है, मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको, अभी नीचे की तरफ से बहुत लंबा पड़ जाएगा यार, तो दैट्स द स्विमिंग पूल एरिया पुराने वाला। ये इनका ओल्ड फुटबॉल क्लब का म्यूजियम है, फुटबॉल क्लब ऑफ स्प्लिट्स, और ये इस फोर्ट की बैक दीवार आ गई, 4 दीवार ऐसी बनी हुई इसका, ये लोग अभी ऊपर अंडर मेंटेनेंस कर रहे हैं कुछ, और एक पीछे से भी एक चर्च की तरफ रास्ता जाता है, देखो आंटी क्या देख रही है, मैं भी देखता हूँ। देख रहे हो तुम बाथ टब, ये जो अभी अंदर गए बुड्ढा जानवर इंसान तो क्या है बोलो उसको, ये जो दो लड़कियाँ दिख रही हैं ये यहाँ का कोई मेयर या कोई चेयरपर्सन होगा, दोनों कोई तो है, इनको धक्का मारे गया है बी एस आर एम, बताओ तुम ये इनके लीडर हैं, शेम ऑन यू मैन। ठीक है छोड़ो उसको, क्या ही दिमाग खराब करना, ये देखो तुम तो ये बैक साइड स्ट्रीट इसकी गली है कुछ ऐसी दिखती है, ये रह गया उधर से, ये नीचे तुम सोविनियर्स खरीद सकते हो, जहाँ एक शॉप बना हुआ बड़ा सा,
देखो सोवेनियर्स खरीदो इस मार्केट में, ये पेंटिंग सोवेनियर्स वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही दूर के अंदर बने हुए भाई ये फ्लोर देखो नीचे, उसी टाइम का बना हुआ फ्लोर लेकिन अभी भी शाइनिंग बरकरार। और ये बाहर आ गया जैसे छोटे से गली से, लेकिन इतना व्यूज था ये। और ये बाहर आते ही उधर मरीना रह गया और यहाँ कैफ़े हैं, तो बहुत ही प्यारी जगह बनी हुई है यहाँ भी। तो जो मेरे राइट हैंड की तरफ देख रहे हैं आप लोग, ये सारे कैफ़े रेस्टोरेंट्स और छोटी छोटी उसके पीछे शॉप्स ज्वेलरी शॉप्स क्लॉथिंग सब मिलेंगे आपको। और ये बिहाइंड और इसके लेफ्ट साइड में ये देखो तुम, यहाँ पूरा मरीना है, यहाँ लोग वॉक करते हैं और यहाँ शिप खड़ी होती हैं जहाँ से आप फेरी बुक कर सकते हैं। मैं जब से इस सिटी में एंटर हूँ मुझे नई नई चीज़ें देख के अफसोस हो रहा है भाई। ये गार्बेज बैग्स हैं, तो मतलब गार्बेज बॉक्स हैं, उस पर देखो क्या लिखा हुआ, इवन वेन यू नोबडी इज वॉचिंग यू स्पीड डच, करनी चाहिए फ़ोटो देख कर। मतलब क्या यूनिक तरीका है ये बताने के लिए कि भाई साहब यहीं डालने का है, हम देख रहे हैं आपको, तो गचरा बाहर नहीं डालने का, वाह यूनिक। तो फोक्स चलते चलते मैं आपको एक और छोटा सा नॉलेज देता हूँ, अगर आप इस शहर में आते हैं घूमने तो यहाँ एक और फेमस जगह है ब्लू कैव्स करके, बट वहाँ की टिकट सुन के मेरे तो कान खड़े हो गए, तो मैं तो जा नहीं रहा भाई। अगर तुम आओ तो ज़रूर जाके आना, क्योंकि मेरा तो इस यूरोप में अभी आना जाना हो ही गया है सही, तो मैं नहीं जा रहा। ब्लू कैव्स करके यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहाँ टूर गाइड लेके आता है, उसके पैसे हैं 10,000 रुपये, मोर देन 10,000, बल्कि 10 तो मैं एवरेज बताया हूँ आपको, तो मैं नहीं जा रहा वहाँ। और अब बात करते हैं इसकी वेदर की, तो वेदर कंडीशन कुछ ऐसी है इस शहर की, अगले महीने से नवंबर से यहाँ पड़ने लग जाएगी बर्फ, तो टूरिस्ट हो जाएंगे कम, तो सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट होता है अब, क्योंकि अब ना तो होती है गर्मी और ना होती है सर्दी, उस टाइम में टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अभी है टेम्परेचर 17, और सुबह तो थोड़ा डाउन भी आता है 15 तक रहता है, बट ये फोकस 17 में भी ऐसा देता ना, ये जो सामने भाई साहब बैठे ना सूरज भगवान, आंखें निकलती है, और जल्दी से मैं चश्मा नहीं लाया, मैं सोचा बाहर उस टाइम बादल हो रखे जब मैं आने की प्लानिंग कर रहा था। तो गाइस नाउ टाइम टू गो, और आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।